इन्वर्टर कैसे लगाते हैं। सभी लोगों की डिमांड ये होती है कि इन्वर्टर हम घर पे खुद ही कैसे लगा सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे आपको बहुत ही आसान तरीका जिससे आप इन्वर्टर आप खुद लगा सकते हैं घर पे। मिस्त्री के 1000-1500 रुपये आप बचाइए, ठीक है। तो कैसे लगाना है वो हम इसके अंदर बताते हैं दोस्तों। तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप इन्वर्टर को अपने घर पर आप खुद लगा सकते हैं, ठीक है। वो भी 5 मिनट के अंदर आप मिस्त्री के 1500 रुपये से लेकर 1000 रुपये से 1500 रुपये तक आप बचा सकते हैं। खुद लगाइए घर पर इन्वर्टर, ठीक है। आइए कैसे लगाते हैं, 5 मिनट का वीडियो है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अच्छा सा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अपने पास ये एक इन्वर्टर है 12 वोल्ट वाला, ठीक है, सिंगल बैटरी। अब इस इन्वर्टर को बहुत ही सरल तरीके से हम आपको लगाना दिखाएंगे दोस्तों। किसी भी तरीके का इन्वर्टर हो तो हम आपको बता देते हैं। एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का वायर इस तरीके का आता है, ठीक है। और दूसरा वायर आता है ये मेन वायर जिससे हम लाइट सप्लाई लगाएंगे। ये पिन होती हैं, इसको हम लाइट के अंदर लगाते हैं। बाद में दोस्तों आपको क्या करना है पीछे से मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। और उसके बाद में इसका सिस्टम मैं बता देता हूँ। ये वाला जो प्लग है देख रहे हैं, ये एक प्लग है, इससे हम जो घर के अंदर इन्वर्टर से चलाते हैं जो वाले वायर को हम लगाएंगे, पंखे लगाना है, मोबाइल चार्जर लगाना है, ये सब इसके अंदर इस प्लग के अंदर हम लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस बैटरी के बारे में बता देते हैं। बैटरी इसके अंदर होनी चाहिए 100 एम्पीयर से लेकर 200 एम्पीयर तक की बैटरी होनी चाहिए। फ़िलहाल अभी ये 80 एम्पीयर की है, आपको दिखा रहे हैं, प्लस माइनस का ध्यान रखना है इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये एक बैटरी वायर होता है ये वाला देख सकते हैं, जिसके अंदर रेड कलर का वायर होता है ये वाला, ठीक है। जब भी इन्वर्टर के वायर लगा रहे हैं तो इस चीज़ का आप बड़े ध्यान से लगाना है, ताकि वरना आप प्रॉब्लम हो जाएगी वापस, ठीक है। ये जैसे कि इन्वर्टर का लाल कलर का वायर बैटरी के इस प्लस वाले के अंदर हम लगाएंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। ये प्लस का निशान बैटरी के ऊपर छपा हुआ है, उस वायर को हम लगाएंगे इन्वर्टर के रेड कलर में, ठीक है। दूसरा वाला हमारे पास ये वायर है, इसको लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। जैसे ही हम इसके अंदर लगाएंगे इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, आवाज़ आएगी, 5 बार इसकी सायरन आएगा, ट्यों ट्यों की तरह 5 बार लगेगा, ठीक है। तो हम जैसे ही हम इसके अंदर लगा देते हैं, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ का जो प्लस वाला वायर उल्टा नहीं लगाएं, ये वाला वायर इसके अंदर नहीं लगाना है, इसका इसके अंदर नहीं लगाना है, ठीक है। इस तरीके की आवाज़ आएगी ऐसे, 5 बार बोलेगा, ठीक है। लाइट आएगी तो एक बार लंबी सीटी लगाएगा टी वाली, और जाने के बाद में इस तरीके से 5 बार बोलेगा जैसे हमने आपको अभी दिखाया है, ठीक है। अब बचा हमारे पास ये एक केबल बची है, इसको हमें डायरेक्ट लाइट के प्लग के अंदर लगाना है ऐसे, इसके अंदर अभी हमने लगाई नहीं है, अब भी लगाएंगे बाद में। और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इंडिकेटर आ जाएगा, यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ मेंस लिखा हुआ होता है, यहाँ पर मेंस लिखा है। जब हमारी लाइट आ रही है, पावर आ रहा है, तो यहाँ पर मेंस चलेगा और उसके बाद में चार्ज वाली इंडिकेटर चलेगा, ठीक है। लाइट आएगी तो चार्ज, बैटरी चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है वो यहाँ पर बताएगा, और लो बैटरी होगी तो यहाँ पर बताएगा। अभी UPS ऑन है, बैकअप चालू है, इसलिए UPS ऑन बता रहे हैं। जैसे ही बैटरी लो बचाएगी तो यहाँ पर लो बैटरी का लाल वाली लाइट जलने लग जाएगी, ठीक है, ठीक है। अभी इन्वर्टर चालू है, उसके बाद में अगर नहीं चालू होता है तो यहाँ पर एक बड़ा सा बटन है पावर वाला, इस तरीके से आप इसको दबा देना, ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम इस पिन के अंदर लाइट को प्लग के अंदर लगाएंगे। तो दोस्तों बैटरी के वायर हमने इस तरीके से लगा दिए हैं, ध्यान रखें प्लस वाला प्लस के अंदर, माइनस वाला माइनस के अंदर, वरना आप इन्वर्टर के फ्यूज कार्ड। अब हम इस पिन को लगाएंगे मेन सप्लाई के यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है।
ये हमने यहाँ पर लगा दी। जैसे हमने लगाई इस तरीके की लंबी लाइट बजने लगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हम आपको दिखाएंगे इधर मेन सप्लाई आ गई या नहीं आई, ठीक है। ये देख सकते हो जैसे हमने पावर के अंदर पिन लगाई है तो यहाँ पर मेन पिन आ गई और यह चार्जिंग हो रही है, बैटरी चार्ज हो रही है, ये इंडिकेटर शो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हम पिन को हटाएंगे या लाइट चली जाएगी उसके बाद में ये यहाँ से इंडिकेटर बंद हो जाएगा और ये वाला जलने लग जाएगा यूपीएस ऑन, ठीक है। ऑटोमेटिक कट ऑफ होएगा। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरीके से कनेक्शन करना है, ठीक है। हो सकता है कहीं भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप पंखा चलाओगे, इस तरीके का पंखा, मोबाइल चार्ज, कुछ भी चलाओगे तो ये इसके अंदर आपको प्लग के अंदर लगाना है, ठीक है। कभी कभार नहीं चल रहे हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो इस वाले फ्यूज को खोलें, या इन्वर्टर चार्ज नहीं कर रहा है बैटरी को तो इसको खोलें। यहाँ पर कांच का फ्यूज आता है, इसको देख सकते हैं, 5 रुपये का खर्चा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वर्टर को सिर्फ तरीके से आप इन्वर्टर को घर पे ही आप सेट कर सकते हैं, आप खुद ही, ज़्यादा इसके अंदर दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल काम है दोस्तों, ठीक है। अगर इसके अंदर आपको फिटिंग हो रखी है मकान की तो उसका एक अलग ही वीडियो मैं बना कर रखा हूँ और ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और या इस तरीके से आप आसान तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।